लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। शुरुआती तौर पर आपसी विवाद में हत्या की आशंका जताई गई है। यह हत्या के बाद आरोपी ने भी खुदकुशी कर ली। थाने के कासर वडवली इलाके की वारदात है। मारे गए लोगों में 7 बच्चे और 7 बड़े बताए जा रहे हैं। परिवार की एक महिला बचने की भी बात है, लेकिन उसकी भी हालत नाजुक बताई जा रही है। जैसे आपको हुसैन वरेकर करके यहाँ के लोकल वडवली गांव के रहने वाले हैं, तो उनके फैमिली के 14 लोग, जिनमें उनके माँ बाप, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनकी 3 बहनें, टोटल 4 बहनें थी, 4 में से 3 बहनें, इनका कत्ल करके उन्होंने फिर खुदकुशी कर ली है। ये घटना है। कुछ लोगों उन्होंने हैंग कर लिया और बाकी लोगों को घर के अंदर जो छुरा रहता है वो छुरे से उन्होंने ये कर दिया। क्या वजह थी, क्या वजह बताइए? उसकी तफ्तीश अपनी चल रही है, क्योंकि अभी तक बता नहीं पा रहे कि घर में सिर्फ एक ही बहन, घर में से एक ही आदमी सिर्फ जो ये है उनका स्टेटमेंट लिया गया है, जो एक ही सर्वाइवर है अभी तक। और आजू बाजू के लोग, काफी रिश्तेदार भी उनके हैं, आजू बाजू के लोग हैं, उनसे जब हमने इंक्वायरी की तो उसके कोई अपरेंटली रीजन कोई बता नहीं पा रहा है अभी कि अच्छी फैमिली थी, घर में कोई प्रॉपर्टी के लिए डिस्प्यूट नहीं था, घर में कोई झगड़े नहीं थे। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ना है ठाणे से, सुनील यादव। सुनील, आपसे पूछना चाहेंगे कि पुलिस कह रही है किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं था, लेकिन जो भी हत्या की घटना है ये एक मानसिक विक्षिप्तता की तरफ इशारा करती है, किसी मानसिक परेशानी से जुड़े हुए उन्मादी ऐसे व्यक्ति की तरफ इशारा करती है। क्या कह रहे हैं आसपास के लोग? राजीव जी, बिल्कुल जिस तरह देखा जाए ये हत्याकांड विक्षिप्तता की तरफ इशारा करती है, किसी मानसिक परेशानी से जुड़े हुए उन्मादी ऐसे व्यक्ति की तरफ इशारा करती है। क्या कह रहे हैं आसपास के लोग? राजीव जी, बिल्कुल जिस तरह देखा जाए ये हत्याकांड, जो हसन वरेकर जो नामक व्यक्ति है वो मुंबई के इनकम टैक्स ऑफिस में काम करता था और वो अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ में कासर वडोली गाँव में रहता था। कल देर रात कुछ घरेलू विवाद उनका शुरू था और किस चीज को लेकर विवाद शुरू था इस बात का अब तक किसी बात का स्पष्ट नहीं हुआ है, मगर इसी विवाद में इसने अपने घर के 7 छोटे बच्चे और 6 महिलाओं को चाकू खोक कर मार दिया गया। इस विवाद को लेकर हत्या की गई, ये फिलहाल जांच का विषय बना हुआ है। साथ ही जो एक महिला बची है जिंदा, उसका बयान भी बेहद अहम होगा, पुलिस पूछताछ कर रही है। शुक्रिया सुनील इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। 14 दिन क्या पूरा मामला है, कितनी घटना? दुखद घटना है और इस घटना के बारे में कोई कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि वो जो लड़का था वो बहुत ही शांत स्वभाव का, बहुत अच्छा वेल क्वालिफाइड लड़का था, कोई आम लड़का नहीं था।